नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरआर ब्लॉग में। इस वीडियो में आज हम एचडीपी पाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि एचडीपी पाइप को कैसे लेइंग किया जाता है, कैसे जॉइंट किया जाता है और एचडीपी पाइप का क्या डिटेल है, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे वर्कर के द्वारा काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये बट फ्यूज़न जॉइंटर मशीन है। इससे एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हाइड्रोलिक जॉइंटर मशीन है। यहाँ पे अभी दोनों साइड से पाइप लगा दिया गया है, तो पाइप को यहाँ पे जॉइंट किया जाएगा इस मशीन के माध्यम से। तो वो तमाम चीज़ आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पाइप के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ कि ये एचडीपी पाइप है। एचडीपी मींस हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है और इसका उपयोग काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि वाटर सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग होता है, इरिगेशन सेक्टर में ज़्यादा उपयोग होता है और इसके अलावा जैसे कि टेलीफोन वायर और इलेक्ट्रिक वायर को एक जगह से दूसरे जगह अंडरग्राउंड ले जाने के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये 180 mm डायामीटर का पाइप है और इसका जो PN है वो PN6 है, यानी कि नॉमिनल प्रेशर। और ये बहुत ही ज़्यादा रेक्सिबल पाइप होता है, यानी कि अगर आप इसे टर्न लेना चाहे, घुमाना चाहे तो बड़ी आसानी से आप घुमा सकते हैं। इसमें छोटा मोटा टर्निंग के लिए और छोटा डाया है तो किसी भी प्रकार की बेंड की आवश्यकता नहीं होती है और इसको लेइंग करने में भी, जॉइंट करने में भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कटर लगा दिया गया। कटर का उपयोग अभी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों पाइप का फेस सेम नहीं है, यानी कि थोड़ा अप डाउन है, बड़ा छोटा है, तो इससे कटर से इसको प्लेन किया जाएगा। दोनों पाइप के फेस को प्लेन किया जाएगा, दोनों पाइप का फेस प्लेन हो जाएगा तो उसके बाद इसको हीट किया जाएगा और हीट करने के बाद फिर चिपकाया जाएगा। तो उसमें चूड़ी जो बनेगा वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा और इसका जॉइंट जो होगा, जॉइंट काफ़ी बेहतरीन होगा, स्ट्रेंथ जॉइंट का काफ़ी बेहतरीन होगा। तो जैसे कि आप देख लिए कि यहाँ पे कटर से प्लेन कर दिया गया है और ये तावा है, यानी कि आप इसे हीटर कह सकते हैं, हीटर है। इससे अभी हीट किया जाएगा दोनों पाइप को। जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि हाइड्रोलिक, जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक मशीन है ये, तो अभी हाइड्रोलिक से वहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है आगे पीछे करने के लिए। तो अभी यहाँ पे तावा रख दिया गया है और दोनों पाइप के फेस को अभी हीट किया जाता है। अभी हीट करने के बाद फिर दोनों को चिपका दिया जाएगा। तो काफ़ी मतलब इजी है एचडीपी पाइप को जॉइंट करना और ये बहुत ही मतलब कम समय में, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिंचाई के लिए, खेती के लिए या वाटर सप्लाई के लिए अगर पाइप का उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन एचडीपी का होता है। ये इसका जो एज है, लाइफ है, वो काफ़ी बेहतरीन होता है, यानी कि इस पर मौसम का किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता, सॉइल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर नमकीला भी एरिया है उधर आप अंडरग्राउंड पाइप डालते हैं फिर भी इस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है। और ये जो है पाइप का असर, यानी कि ये सड़ता गलता नहीं है, तो जिसके कारण खेत को भी किसी भी प्रकार की इससे प्रॉब्लम और किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन सॉइल को नहीं होता है। तो ये ख़ास रूप से इरिगेशन सिंचाई के लिए और वाटर सप्लाई के लिए ही इसको बनाया गया था। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो तावा रखा गया, तावा हीट हो गया है और अब देखिए दोनों पाइप का फेस जो है वो हीटिंग होना चालू हो गया है। जैसे हीट हो जाएगा प्रॉपर, इसमें थोड़ा टाइम देना होता है, तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तावा तो पहले से हीट था, फिर उसके बाद दोनों फेस को हीट करने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। फिर उसके बाद हीट होने के बाद तावा को बाहर निकाल लिया जाएगा, जैसे कि अभी तावा को बाहर निकाला जाएगा।
फिर उसके बाद दोनों फेस को चिपका दिया जाएगा। तो फिर इसमें एक रिंग टाइप का बनेगा, जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि तावा को अब निकाला जा रहा है। और देखिए अभी हाइड्रोलिक से अभी दोनों को चिपकाया जाएगा, ये देखिए चिपक गया और इसमें रिंग टाइप का बन जाता है, यानी कि दोनों पाइप जब एक दूसरे से चिपकता है तो वो रिंग टाइप का बन जाता है और यही ज्वाइंट होता है। और इस ये ज्वाइंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि अगर दोनों पाइप के फेस को फेस में रस्सी बांध के दोनों साइड ट्रैक्टर बांध के फिर भी खींचे तो ये ज्वाइंट क्रैक नहीं हो सकता है अगर अच्छी तरह से किया जाए तो। नीचे के साइड में तो बहुत ही बेहतरीन ज्वाइंट इसका होता है। तो जैसे कि देखिए अभी हीट करने के बाद जो ज्वाइंट बन गया है यहाँ पे चूड़ी टाइप का दोनों साइड से बन गया है। अभी उसके ऊपर कपड़ा जो यहाँ पे कपड़ा से इसको थोड़ा इसके ऊपर घिसा जाता है ताकि बराबर वो बैठ जाए। और इसका कूलिंग टाइम होता है वो 6 से 7 मिनट, 10 मिनट तक भी आप ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कूलिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये इसका स्ट्रांग होगा। और कूलिंग करने के बाद फिर इसको अभी देखिए ट्रैक्टर से खींचा जा रहा है, अभी खींच लिया गया है।